बहुत ही एक मिनट, डीएसपी वाली वो जाना चाह रही है रितु जी, लेकिन रितु जी बहुमत के नजदीक सिर्फ 300 सीट में ही अगर बीजेपी पहुंच रही है। अभी टाइम बहुत बचा है, अभी देखते हैं। अच्छा, आपका मुस्कुराना नहीं गया है। नहीं, ये अच्छी बात है। आप ठीक है, मैंने आप आखिरी तक टिकी हुई है कि बीएसपी अलग ही रहेगी और उसकी एक अपनी पहचान है राजनीतिक। लेकिन शकील साहब, हम इन सवालों को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत की राजनीति को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बदल दिया है, या जो पारंपरिक राजनीति थी अब वो कांग्रेस के आश्रय पीछे छूट गई है। देखिए, राजनीति बदलती रहती है, राजनीति नए नए आयाम ढूंढती है। राजनीति में आपने देखा होगा कांग्रेस बहुत बार हारी फिर जीती, अंतोगत्वा जब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कोई ऐसा वादा हो जाता है जिससे लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने वो नहीं किया जो हम चाहते थे जी। तो थोड़ा बदलाव के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए भी कभी कभी लोग ऐसी चीजों पर ऑप्ट करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मगर नहीं, ये कौन सी, एक मिनट एक मिनट शकील साहब, हम स्क्रीन पे जो दिखला रहे हैं वो दर्शकों को बता दें, बहुमत के जादुई आंकड़े को बीजेपी ने छू लिया है और अभी सिर्फ 286 सीटों का रुझान आया है। बीजेपी 204 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी हाफ सेंचुरी तक भी नहीं पहुंची है, यानी यहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस 49 और ओम माथुर बीजेपी के जो महासचिव है, जो कि प्रभारी भी यूपी के हैं, उनका क्या कहना है? वहां से बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर। ओम जी, जिस तरीके के शुरुआती रुझान आए हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 300 पार चली जाएगी। देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। निश्चित है पोस्टल बैलेट है अभी, लेकिन पोस्टल बैलेट में जिस प्रकार का गैप हुआ है, तब गठबंधन नहीं और महागठबंधन की भी जो मन में कल्पना कर रहे थे, शायद उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ बैठना है। और ये कुल मिलाकर के मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक गरीब कल्याण की योजना धरती पर दी है, उसको हिंदुस्तान ने पूरा स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश ने दिल से स्वीकारा है। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई तरीके की लाइन जो है वो खींच दी है और अब वो पार्टी से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके का कैंपेन उन्होंने किया। इस प्रकार की बात आपको नहीं बोलनी चाहिए आखिर वाले शब्द को। कुल मिलाकर के आदरणीय मोदी जी पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं और एक कार्यकर्ता की भूमिका के नाते उन्होंने एक पूरे देश को नया विजन दिया है। जो देश आज क्षेत्र से जाति से बटा हुआ था मतों में, उनको उन्होंने विकास की ओर आगे बढ़ाया है। और वो लोकसभा चुनाव जीतने से पहले देश में एक बात कही है रैलियों में कि पूरे हिंदुस्तान का समान रूप से विकास नहीं हुआ, और इसलिए उनका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। और आज जो रुझान आ रहे हैं, और उसमें हमको स्वाभाविक प्रसन्नता है कि सब लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को स्वीकार किया है। सर, ये हमेशा कहा जाता था कि यूपी जो है वो जातिगत आधार पे वोटिंग होती थी, इस पर सारे जातिगत समीकरण टूट गए और सभी जातियों के वोट ऐसा लगता है बीजेपी के झोली में आ गए। पूरा उत्तर प्रदेश मोदीगत हो गया है, गरीब कल्याण की ओर बढ़ गया है, पूरा देश अब गरीब कल्याण की ओर बढ़ रहा है। सर, परसों अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बीएसपी के साथ भी हाथ मिला लेंगे और रिमोट कंट्रोल से जो है वो यूपी की सरकार नहीं चलने देंगे, तो आपको क्या लगता है? क्या इंतजार करिए, अभी दिन भर हम आपके साथ हैं, इंतजार करिए। सर, मुख्यमंत्री कौन होगा यूपी का, क्योंकि आप प्रभारी हैं? पार्टी का कार्यकर्ता होगा, पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा, विधायक दल निर्णय करेगा। सर, विधायक होगा या सांसद होगा? विधायक दल निर्णय करेगा। परंतु इनमें कभी विश्वास नहीं करता। जब मैं आपसे कह रहा हूं 2/3 बहुमत से अधिक से बहुमत से सरकार बनने वाली है तो कम क्यों पड़ेंगे। लेकिन जहां तक अखिलेश ने बुआ के साथ जाने की बात की है, तो अखिलेश से मेरा एक प्रश्न है कि आपने और आपकी पार्टी ने, आपके पिताजी ने जो बीआईपी कांड किया जिसमें मायावती को मारने का कुकृत्य किया था, क्या उसके लिए आप और आपके पिता सार्वजनिक रूप से मायावती से, दलित समाज से, हिंदुस्तान की महिलाओं से क्षमा मांगेंगे? नंबर 1। नंबर 2, मायावती से पूछना चाहूंगा
अगर बीजेपी न होती तो क्या मायावती जिंदा होती, क्या असर हुआ होता? तो मायावती इतनी कृतघ्न हो जाएंगी कि हत्यारों के साथ चली जाएंगे, जिन लोगों ने जान से मारने की योजना बनाई थी, अब वो भी कह रही है कि हमको परहेज नहीं है। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और बेचारा मोदी एक तरफ, इससे ये लगता है कि सबके ऊपर मोदी भारी है। तो हम चार स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं, लड़ाई है तो केवल पंजाब में है और इसके अलावा तो कहीं लड़ाई है नहीं। देखो मैं स्पष्ट कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है, जहां पत्रान वही ये जो कहें वही सही। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो यहाँ संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन चेहरा हो, जो होगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपने मेरे से पूछा है तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 2 साल बाद 2019 का चुनाव है, 20-22% यहां दलित समाज रहता है। तो जो दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, एक तरफ लखनऊ में बीजेपी का हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी का हेडक्वार्टर है। दोनों तरफ नारे, जश्न, सारी तैयारी जिस रूप में थी अब वो खुलकर सामने आ गई है। 220 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और अभी सिर्फ 311 सीटों के ही रुझान आए हैं और ये संकेत है कि कितनी बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ी। कह सकते हैं 2014 का ही विधानसभा में नए तरीके से पदार्पण हुआ है और 2014 में जिस तरीके से 73 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती थी उसके बाद अब 219 सीटों पर फिलहाल 312 में से आगे चल रही है। ये एक राजनीतिक संकेत बहुत साफ है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमोवेश हर जगह पर, और जिस बात का जिक्र था कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगी, वह भी दूर की गोटी। बीएसपी डार्क हॉर्स, वह भी दूर की गोटी। और जो वोटों का कहीं था कि कहीं मुस्लिम वोट शिफ्ट होंगे, कहीं उससे एकजुटता आएगी और इतना बड़ा परसेंटेज, वो सारी के सारे कैलकुलेशन जो है इसका मतलब एक ये है कि वो मैथमेटिक्स अब पीछे छोड़ गया। और उमेश जी, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश के ये रुझान उस हिसाब किताब से परे हैं जिसमें जातिगत राजनीति के तौर पर चीज़ें देखी जाए? नहीं, देखिए अगर ये रुझान जो हैं यही नतीजे बनते हैं जी, तो मैं ये मानूंगा कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी थी। मतलब उसको वो सुनामी कहते हैं वो लोग, बीजेपी के लोग ये जुमला बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि ये वैचारिक युद्ध की विजय नहीं है बल्कि यह जीत सामाजिक समीकरणों की है। और इसकी वजह यह है कि मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने गैर यादव ओबीसी को उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मोबिलाइज किया, जिसका संकेत बहुत सारे विश्लेषक दे रहे थे चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान, जिसको दिल्ली में बैठे बहुत सारे लोग शायद नहीं मान पा रहे थे। और कहीं ना कहीं बसपा का गैर जाटों जो दलित वोट है उसमें भी बिखराव आया। मुस्लिम और यादव के अलावा समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद अखिलेश यादव ने अपने पिता के निगेटिव्स जो हैं उनसे तो किनारा किया, लेकिन अपने पिता के जो पॉजिटिव्स हैं, सकारात्मक जो योगदान राजनीति में था, उसको उन्होंने भी दरकिनार कर दिया। वो ये था कि वो गांव में, कस्बे में, जमीन पर जाकर राजनीति करते थे। शायद अखिलेश जी ने ड्राइंग रूम में और अपने दफ्तर से राजनीति की, सिर्फ अपने 4 या 5 जो युवा सलाहकार थे जिनका सामाजिक न्याय आंदोलन से भी कोई खास रिश्ता नहीं था। मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव की बहुत बड़ी ब्लंडर रही, गैर यादव ओबीसी का बिखराव, उनसे कम से कम उनसे अलगाव और बीजेपी के साथ जुड़ना, ये बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, जिसकी वजह से अगर जनता अखिलेश जी के साथ अन्याय नहीं करेगी। सर, जो रुझान चल रहा है वो काफी डिफरेंस है। अब इस तरह का तो उतार चढ़ाव चलेगा ही, लेकिन मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के केंद्र के सत्ताधारी लोग जिस तरह से उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया, उत्तर प्रदेश की जनता को भरमाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, और जो उनका एजेंडा है समाज को बांटने का, नफरत फैलाने का, तबाह करने का, विकास को रोकने का,
उस एजेंडे को लेकर के जैसे कोई आक्रमण करता हो वैसे आक्रमणकारी उत्तर प्रदेश में दर्जनों केंद्र के मंत्री, आरएसएस के लोग और दूसरे राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने में लगे रहे, झूठ बोलते रहे, गलत तथ्य देते रहे, गलत आंकड़ों का सहारा लिया गया। निर्वाचन आयोग असहाय मुद्रा में रहा, निर्वाचन आयोग को भी और देश में जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन सबको ये पुनर्विचार करना पड़ेगा कि कभी ऐसा संकट भी आ सकता है कि केंद्र की सरकार संविधान में प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करके संघीय ढांचे को तहस नहस कर सकती है। क्योंकि राज्यों का अधिकार है और संघीय ढांचा है, लेकिन जिस तरह से केंद्र ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने अधिकारों के पार जा करके लोकतंत्र को बर्बाद करने का उपक्रम किया है, उस पर सभी लोकतांत्रिक ताकतों को पुनर्विचार करना चाहिए। हमारी उम्मीद है और हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी के साथ है। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ और होगा अभी से? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का जो नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उन्हें फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से गुस्से में राजन चौधरी बोल रहे हैं उसके संकेत बहुत साफ हैं। एक तो ये कि जो रुझान है उसमें बीजेपी की सत्ता आ रही है, और दूसरा संकट यह है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के सामने अपने अस्तित्व का संकट आ गया है। ये सवाल सुनील सिंह यादव जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप खुद चुनाव भी लड़ रहे थे नोएडा से, तो क्या ये माना जाए कि ये रुझान जो हैं अगर तब्दील हो जाते हैं परिणामों में तो वाकई समाजवादी इस पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है? क्योंकि राजेंद्र चौधरी जिस लहजे में बोल रहे हैं और बता रहे हैं वो चाहे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या खतरा है, लेकिन सवाल है कि लोकतंत्र में चुनाव के जरिए ही सियासत होती है और उसी के जरिए लोकतंत्र को जिया जाता है हमारी संसदीय राजनीति में। सुनील सिंह जी, मुझसे कह रहे हैं आप? जी, आप ही से पूछ रहे हैं। हेलो जी जी, अच्छा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। okay. एक मैं ये कह सकता हूँ कि अभी पहली रुझान आई है और रुझान पर यह तय कर पाना कि परिणाम यही होगा, हालांकि परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया, वो मशीनों में है, उसकी गिनती हो रही है। हम समाजवादी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता जिसको बहुमत देगी, जिसके पक्ष में जाएगी, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश बदल रहा था, देश की राजनीति बदल रही थी, तो समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट को लेकर के काम किया है। जाति धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही थी उसको छोड़ा है, उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की करे उस पर काम किया है। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है तो मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को हम लोग छोड़ना चाह रहे हैं राजनीति में, जाति को, धर्म को, उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव में लेकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर उन्होंने भाषण नहीं किया, उन्होंने जात के, धर्म के, रमजान के, होली के, दिवाली के, शमशान के, इन पर वो उन्होंने अपना भाषण किया है। मुझे लगता है कि अगर फिर भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को वहीं जाति और धर्म पर ले जा रही है तो ये प्रदेश और देश कब बदलेगा? और इस मुझे उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी होगी। और अभी दो घंटे बाद ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मुझे लगता है वो बदलते हुए नजर आएंगे, और दो घंटे में जो असलियत है आंकड़ों की, वो हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो टीवी पर और पूरे देश दुनिया के सामने साफ हो जाएगी। बीजेपी अपने सबसे अधिकतम सीट की दिशा में जा चुकी है, 221 सीट उसने 1991 में जीती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में वो 235 सीटों पर अगर आगे चल रही है तो इसके कई मायने हैं जरूर। संजय जी, एक बात है, जिस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी कर रहे हैं या विकास, अखिलेश का चेहरा,
क्या जनता के जहन में 4.5 बरस की सत्ता आ गई? याद जब कानून व्यवस्था का मसला था, जब मुजफ्फरनगर हो रहा था, जो स्थितियां थी 4.5 बरस में। नहीं, निश्चित रूप से एक अगर बड़ा मुद्दा था जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था कैंपेन के दौरान, और अगर इन जो शुरुआती रुझान है उसमें भी अगर दिखाई पड़ रहा, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के प्रदेश में लोग परेशान थे। अखिलेश के सरकार के और कामों का भले ही वो प्रशंसा करें, बट कानून व्यवस्था के बारे में लोगों की बड़ी चिंता थी और लोगों में इस बात का थोड़ा आक्रोश दिखाई पड़ता था। इसका दूसरा हिस्सा एक और है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर बोलते हैं जनता के बीच में, मनमोहन सिंह नहीं बोला करते थे, तो जनता पे ज्यादा असर पड़ता है कि प्रधानमंत्री खुद आया है बोलने? बिल्कुल, इस बात का असर पड़ता है। और खासकर प्रधानमंत्री को जब हम पद से नहीं जोड़ करके व्यक्तित्व से जोड़ेंगे, निश्चित रूप से मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो जनता के साथ संपर्क या कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बात पर लोगों को भरोसा होता है। और अगर जब उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था खराब है, जब ये कहते थे कि काम बोलता है और वो कहते थे कारनामा बोलता है, शायद इस बात का लोगों ने ज्यादा भरोसा किया कि कारनामा खराब है। काम तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन शायद कारनामा खराब। हम जरा सा आशुतोष को जोड़ ले, यूपी पर लौट रहे हैं चूंकि आशुतोष बहुत देर से जुड़े हुए। आशुतोष, 94 सीटों के रुझान आ गए हैं और उसमें कांग्रेस 49 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाली गठबंधन भी आम आदमी पार्टी से आगे मौजूदा वक्त में स्क्रीन के रुझान में बहुत साफ नजर आ रहा है। ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है या आप अब भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल जिस तरीके के नतीजे और रुझान आप दिखा रहे हैं, उन नतीजे रुझान से ये तो साफ लग रहा है। जी जी बोले। उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप बार बार कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों को निष्कर्ष नहीं मानना चाहिए, इसलिए अभी भी मेरा यह मानना है कि अंतिम नतीजे आने तक हमें किसी जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि पंजाब में जिस तरीके का हमको समर्थन मिला है और जिस तरीके से लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया है, उससे ये रुझान और नतीजे अंतिम समय तक पलटने की पूरी संभावना है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। ओके, आप क्या बोल रहे थे? मुझे ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की बात, कि एक बात मान लेनी चाहिए कि जो भाजपा है उसने बहुत ही तैयारी से उत्तर प्रदेश का ये चुनाव लड़ा है, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 4-4 सर्वे करवाई हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उसके बाद ही उम्मीदवार चुना, और जो जाति समीकरण था हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उन्होंने उसे देख करके और फिर 4 सर्वे के बाद में कौन सा कैंडिडेट है। जो कांग्रेस है वहाँ पर आलाकमान ने किया, और जो सपा है वो पारिवारिक इतनी कलह में उलझी हुई थी कि कौन से परिवार के कौन से गुट का आदमी करें, तो इसको इस पर भी जाना चाहिए हमें। और युवा, मुझे लगता है बोल रहे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी ने, और युवा वोट इस बार भाजपा को गई है। एक और बात मैं जोड़ूंगा कि देखिए, बीजेपी ने कोशिश की अपने कैंपेन में जोड़ने की, लोगों को, संगठनों को, समाजों को, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी के नेताओं को। समाजवादी पार्टी ने लोगों को अपने से अलग किया। जो लोग उसके साथ आ रहे थे उनको कहा ना, आपसे हमारी छवि खराब हो जाएगी। भाई, छवि खराब करने लायक लोग आप अलग कर सकते थे और जो बेहतर लोग थे उनको जोड़ सकते थे। तो इस तरह से एलिनेट भी किया अपने से समाजवादी पार्टी ने। और जहां तक कैंपेन का सवाल है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस इतनी देर से शुरू हुआ कि कई जगह जो कैंडिडेट्स दोनों के आमने सामने हो गए उसको लेकर भी कन्फ्यूजन हुआ। रविदास मेहरोत्रा वही बात कह रहे हैं, अनेक क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, उसका 1/100 हिस्सा भी समाजवादी पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखता था, परिवार के कारण। हम और अखिलेश यादव अपनी दो तस्वीर स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एक तरफ सन्नाटा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में, और दूसरी तरफ हंगामा है बीजेपी दफ्तर के भीतर। और हम आपको, रीमा जरा बताइए, दिल्ली हेडक्वार्टर के भीतर क्या है? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। तमाम कार्यकर्ता अब बीजेपी के अशोका रोड मुख्यालय में जुटने शुरू हो गए हैं और मोदी मोदी के नारों से अब बीजेपी का दफ्तर गुलजार हो गया है। 150 से ऊपर सीटों के रुझान आ रहे हैं बीजेपी के पास। 200 की रेंज में चले गए हम, 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जिस आधार पे लोकसभा का चुनाव हुआ उससे ज्यादा उत्साह पे 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं।
पांचों में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी। लेकिन ये तो अभी रुझान है, बिहार में भी यही हुआ था, रुझानों पे आप लोगों ने जश्न मनाया था। मैडम मैं खुद उत्तराखंड और यूपी में संगठन से जुड़ा हुआ, मैंने वहाँ काम किया है, मैं जुड़कर आया हूँ। शाम होते होते पूरा भारत बीजेपी मय हो जाएगा और मोदी जी का ये नारा कांग्रेस मुक्त भारत आज पूरी जनता देश की करके दिखाएगी। बीजेपी में उत्साह है और जश्न का माहौल है, तमाम कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं। अब नेता भी बीजेपी के जो है वो अपने घर से निकलकर जैसे जैसे सीटें बीजेपी के पक्ष में आती दिख रही हैं, पार्टी का ये जो दफ्तर है यहाँ पर अब आप देखिए कि किस तरह से कार्यकर्ता जोश में है, जश्न में है और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए होली पहले ही आ गई। हाँ, होली तो स्वाभाविक आ गई और अच्छा से होली खेलेंगे आज और यूपी की जनता के साथ खेलेंगे हम लोग। और दो त्याग भाव से ऊपर हमारी सरकार होली और दिवाली दोनों हम मनाएंगे। आज होलिका के साथ साथ में बुराई का अंत होने जा रहा है। और तो देखिए तमाम नारे अब इनकी जुबान पर है और सारा क्रेडिट पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को ये कार्यकर्ता दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ रीमा पराशर, दिल्ली। किसी धर्म या जाति के आधार पर किया गया बयान था, इसमें विकास को दिखाया गया था कि जो लोग कहते हैं कि काम बोल रहा है तो काम किधर बोल रहा है वो बताने की कोशिश की। पंजाब में अकाली दल हमारे पार्टनर हैं और हमने उनको बड़े भाई की तरह माना है। सारी चुनाव संचालन की रणनीति अकाली दल के हाथ में थी, हमारी सहयोगी की भूमिका थी, इसलिए पंजाब का बर्डन चुनाव प्रचार का हम लोगों के पास नहीं था। बीजेपी के भीतर का उत्साह जो है बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है। ये दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जश्न है, नारे हैं, हम कह सकते हैं 2014 में इस तरह के दृश्य उस वक्त नजर आए थे जब मोदी जीते थे और उनके नाम पर पूरी पार्टी, और इस वक्त भी ये चुनाव पूरा का पूरा ऐसा ही लग रहा था कि ये पूरा मोदी के सेंट्रिक चुनाव हो गया है और उसका परिणाम ये नजर जो आ रहा है 245 सीटों पर 355 में से बीजेपी आगे चल रही है। ये एक बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर जो कारपेट भगवे रंग की बिछ गई है वो एक नज़ारा है। हम लगातार आपको नक्शे पर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कमोवेश चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, हर इलाके में भारी रुझान सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में। लेकिन पंजाब के चुनाव में रुझान जो है ये बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अकाली और अकाली गठबंधन, अकाली बीजेपी गठबंधन आम आदमी पार्टी से आगे है। वहाँ पर 55 सीटों पर कांग्रेस है, 117 में से 55 सीटों पर आगे, यानी वो बहुमत अपने बूते ले आएगी, ये रुझानों में बहुत साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और अकाली जितनी कमज़ोर मानी जा रही थी और तमाम एग्जिट पोल में जो उनको सिंगल डिजिट में नंबर दिए गए थे वह अगर इस स्थिति में है तो इसका मतलब है उनका एनालिसिस भी उस रूप में हो नहीं पाया था जो अकाली बीजेपी गठबंधन का होना चाहिए था। और कांग्रेस के भीतर का लाभ तो खुलकर निकल आ रहा है, इसका मतलब एक बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी जो सोच रही थी कि वह दो तिहाई बहुमत के साथ आ जाएगी और ख़ास तौर से जो मालवा का इलाका था उसको लेके जो कयास लगाए जा रहे थे, माझा में तो फिर भी मान लीजिए थोड़ी स्थिति अलग मानी जाती, लेकिन अब दोआब के इलाके में भी वहाँ पर अकाली सबसे ज़्यादा है, तो जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी सोच रही थी इस रुझानों में ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी, ये बनारस की तस्वीरें हैं, बनारस जहाँ पे 3 दिनों तक प्रधानमंत्री ने डेरा डाला और उसके बाद झटके में स्थिति, एक ही नाम है मोदी और इसके जरिए हर चीज को सिंबॉलिक बीजेपी के हक में जोड़। ये बनारस शहर के भीतर स्थिति है जहाँ पर होली के रंग में बनारस अभी से डूब जाएगा, ये भी एक सच है। नारों के बीच संजय हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए हम उत्तर प्रदेश को तो क्लीन चिट दे दे रहे हैं कि वो फिट बैठ गया कई मायनों में उसमें, लेकिन पंजाब में अकाली गठबंधन को किसी ने इतनी सीटें नहीं दी थी,
अब ये वक्त नहीं है जिसमें मैं अपने जो हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया उसका जिक्र करने का है। हाँ। लेकिन वो आंकड़े हैं जिसमें हम लोगों ने ऐसा कहा था अकाली गठबंधन जो है इतना बुरा नहीं कर रही, और वो दो डिजिट में मतलब लगभग हमने 20-22 सीटों का अनुमान उनके लिए किया था। लेकिन ये वक्त नहीं है, जब पूरे आंकड़े जब पूरे रिजल्ट आएंगे तब हम कह सकते हैं कि क्या आंकलन था। बिल्कुल हमारा आंकलन ये रहा था कि वो अकाली गठबंधन बिल्कुल साफ हो जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी ओर हमारे उत्तर प्रदेश के अनुमान जो है वो बिल्कुल सटीक दिखते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे अभी कम से कम। लेकिन वो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर होगी, ये एनालिसिस था किसी का? नहीं, ऐसा अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं अभी, अब तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरुआती रुझान है, लेकिन अब फिर भी अभी समय है, काउंटिंग खत्म होते होते 1.5-2 बजेंगे, अभी भी बहुत समय है, 3-4 घंटों का समय है और हमें थोड़ा सा इंतजार अभी भी करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भले ही नंबर दो पर आ जाए लेकिन कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है, रुझान से बिल्कुल साफ है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ा इस चुनाव में, अगर ऐसा ही होता है नतीजा, तो वो ये कि उनका लोकल जो लीडरशिप है पंजाब में वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। लोगों को आशंका थी पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कहीं कोई हरियाणा का आदमी तो ना बन जाएगा, कहीं केजरीवाल साहब स्वयं तो ना आ जाएंगे। केजरीवाल को लोग पसंद करते हैं नेता के रूप में पंजाब के, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में भी वो पसंद करेंगे केजरीवाल को, इसको लेकर मेरे दिमाग में सवाल। जरा यूपी का एक ढांचा समझ ले सही, जरा बताइए क्या क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो रुझान के अनुसार सीधे सीधे बीजेपी सरकार बनाने की तरफ यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये इतना बड़ा जो ग्राफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है प्रसून, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि ये रुझान जरूर हैं, लेकिन आप इंतजार कर लीजिए 1-2 घंटा कितना बदल जाएगा। अगर 251 बहुमत से बहुत आगे बीजेपी बढ़ चुकी है तो कितना भी आगे पीछे होता है, अब आप ये कह सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है, सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी जिसने सबसे बड़ी जीत 2012 में हासिल की थी, 224 सीटें, वो सिमट गई है बहुत कम, 70 से भी कम, 67 पर, और बीजेपी का ग्राफ लगातार यहां पर अगर बढ़ता जा रहा है तो यह बहुत बड़ी जीत है। आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या मुद्दे रहे, किस वजह से बीजेपी को इतनी जीत मिली, समाजवादी पार्टी की पारिवारिक अंदरूनी कलह थी या कुछ और था, लेकिन अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी जबरदस्त जीत की तरफ, बल्कि यूं कहें कि प्रचंड बहुमत अगर मिल रहा है, और बहुजन समाज पार्टी यहां पर बहुत ही कम सिमट गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्राफ काफी ऊंचा जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है बीजेपी का, और इसे आप कह सकते हैं कि अभी तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत, आप कह सकते हैं कि अभी तक की बीजेपी की सबसे बड़ी जीत, और साफ तौर पर यहां पर नरेंद्र मोदी का जादू चला हुआ है। और वोट परसेंट अगर यहां पर हम उसकी बात करें तो समाजवादी पार्टी को 27% वोट, बीजेपी और उसके जो सहयोगी हैं, लेकिन यहाँ पर आप बीजेपी को अकेले मान सकते हैं, सहयोगियों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, और बहुत बड़ा आप हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो बात ज़रूर करेंगे इस पे कि 44% वोट शेयर है, पिछली बार के मुकाबले कितना बड़ा है बीजेपी का, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है बहुजन समाज पार्टी और मायावती को, क्योंकि यहाँ सिर्फ 21% वोट मिलते हुए मायावती को दिखाई दिए हैं और अन्य सिर्फ साथ हैं जिनकी कोई भूमिका अब सरकार बनाने में भी यहां पर नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी जीत, बीजेपी की अब की सबसे बड़ी जीत, और इसका सहरा सिर्फ और सिर्फ अगर बनता है तो किसी एक के चेहरे पर, क्या यह सवाल आप सभी एक्सपर्ट से है कि क्या नरेंद्र मोदी के सर पर, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल था? ओवर टू यू प्रसून जी। शुक्रिया शुक्रिया सईद। एक चीज संजय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 44% वोट बता रहे हैं वो बीजेपी के हक में है, और 2014 को अगर देखें तो वो भी मेरे ख्याल से 42% था, 42% था, तो इसका मतलब है कि 2014 से आगे की लोकप्रियता प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की। बिल्कुल, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि बीजेपी को 44% वोट, फाइनली जब काउंटिंग खत्म होगा तब आएगा। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें, जितने राज्यों में लोकसभा के चुनाव के बाद वोट पड़े हैं, जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, हर राज्य में बीजेपी का वोट, चाहे वो बीजेपी सरकार वहाँ बना पाई है,
आप झारखंड का जिक्र कर लें, आप हरियाणा का जिक्र कर लें और अन्य राज्यों का जिक्र कर लें, हर राज्य में बीजेपी के वोटों के प्रतिशत में गिरावट आई है, मेरा अपना अनुमान है।